दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में राखी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बता दें कि यहां भैरव बाबा को राखी बांधने के बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बस्तर में हर त्यौहार मनाने से पहले माई दंतेश्वरी से इजाजत ली जाती है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और ये राखी का त्यौहार माई जी के द्वारा भैरव बाबा को राखी बांधने की रस्म के साथ ही मनाया जाता है। साथ ही भैरव बाबा को बांधे जाने वाली राखी विशेष रूप से तैयार की जाती है। देश में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है और जितनी भी बहनें हैं इस त्यौहार को लेकर काफी हर्षित नजर आ रही हैं। आपको बता दूं, बस्तर संभाग में मनाए जाने वाला रक्षाबंधन अन्य जगह से थोड़ा सा हटके है। माई दंतेश्वरी से जो है इजाजत ली जाती है इस त्यौहार के लिए और विधि विधान से जो है जो उनकी राखी है वो भी बनती है। माई दंतेश्वरी के द्वारा राखी भैरव बाबा को जाती है और वो जब राखी भैरव बाबा के पास चली जाती है तो बस्तर में रक्षाबंधन के शुरुआत के लिए जो है उनसे इजाजत मांगी जाती है। उसके बाद में बस्तर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ में है, किस तरह से इस त्यौहार को यहाँ पे बस्तर में मनाया जाता है, क्यों विशेष है यहाँ की राजनीति, आइए जानते हैं जी। पहले तो सर से कहना चाहूँ राखी का हार्दिक शुभकामना। ये किस तरह से विशेष है यहाँ की राखी? पहले राखी जो अपने जो मारा धमल है उनके थ्रू वो बनाते हैं जी जी, जो अपने जो मंदिर कर्मचारी हैं जी उसको राखी का रूप देते हैं जी जी जी, उसको लेकर के फिर जो अपनी तालाब दंतेश्वर तालाब जी शीतला माता के जो तालाब है जी वहाँ पे ले जा करके उसको शुद्धिकरण करके जी ले मंदिर में लेकर लाया जाए जी लाया जाता है। फिर उसको फिर हल्दी चूने से रंगते हैं। रंग दिया जाता जी जी, उसको रख करके जी दूसरे दिन फिर भैरव बाबा के पास विशेष पूजा अर्चना कर माता जी के चरणों में अर्पित किया जी। फिर दूसरे दिन फिर भैरव जी में वहाँ पे पूजा अर्चना करके उनको राखी चढ़वाई जाते हैं जी। फिर उसके बाद फिर अपने बस्तर संभाग में राखी का त्यौहार बनाया जाता जी जी जी। तो देखें किस तरह से अलग रस्म और अलग रंग में जो है यहाँ की राखी को रंगा भी जाता है और कितनी सादगी से यहाँ पे जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आदिकाल से ये परंपरा चली हुई आ रही है और आज भी यहाँ के सेवादारों के द्वारा जी, आपको मैं बता दूं यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है, महाराज स्वयं उतनी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, यहाँ क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद में वो बोलने के लिए तैयार हुए थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से माई दंतेश्वरी यहाँ पे जो है सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं और धूमधाम से देश में रक्षाबंधन के भी त्यौहार मनाया जा रहा है।